ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज 24 मार्च 2022 चालीसे के तीसरे सप्ताह का बृहस्पतिवार है। आज के पाठों से कलीसिया हमें प्रभु येसु के निम्नलिखित वचन पर मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती है, जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। लूका 14:23। इस पर चिंतन करने पर हम पाते हैं कि जो व्यक्ति या समुदाय ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करता या उसकी इच्छाओं को पूरी नहीं करता, उसका संबंध ईश्वर से कट जाता है। उसी तरह जो ईश्वर के कामों में सहयोग नहीं देता, वह ईश्वर के कामों में बाधा डालता है। ऐसी परिस्थिति में ईश्वर ऐसे व्यक्ति या समुदाय के कुकर्मों के कारण या तो क्रुद्ध होता है या तो दुखित होता है। आज के पहले पाठ में नबी एरेमियस के समक्ष अपने दुख की भावना को व्यक्त करते हुए कहता है, मैंने इसराइलियों को केवल यह आदेश दिया, यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे। यदि तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और मेरे पास आने की अपेक्षा मुझसे दूर चले गए। यरमिया 7:23-24। ईश्वर जो न्यायी है आगे कहता है कि यदि वे अन्य देवी देवताओं की आराधना से, अपने कुकर्म और पाप से और अपनी दुष्टता और बुराई से पश्चाताप नहीं करेंगे तो उन्हें विभिन्न प्रकार के दंड मिलेंगे। यरमिया 7:8। इसी तरह नबी इसायास के ग्रंथ में भी इसराइलियों की दुष्टता और धृष्टता की चर्चा है। ईश्वर उनके पश्चाताप पर उन्हें क्षमा प्रदान करता है और पश्चाताप नहीं करने पर उन्हें दंड देता है। निर्गमन ग्रंथ के 23वें अध्याय में हम देखते हैं कि मूसा के सिनाई पहाड़ पर आने में देर करने पर इसराइलियों ने सोने का बछड़ा बनाकर उसकी पूजा करने लगे। तब क्रुद्ध होकर ईश्वर ने मूसा से कहा, मैं देख रहा हूँ कि ये लोग कितने हठधर्मी हैं, मुझे इनका नाश करने दो, मेरा क्रोध भड़क उठेगा और उनका सर्वनाश करेगा। निर्गमन ग्रंथ 32:9-10। मूसा के गिड़गिड़ाने के बाद ईश्वर का क्रोध शांत हुआ। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु येसु ने अपने ईश्वरीय अधिकार का प्रयोग करके एक अपदूतग्रस्त गुंगे से अपदूत को निकाला। ऐठी गर्दन वाले फरीसियों और शास्त्रियों ने, जो प्रभु येसु को ईश्वर द्वारा भेजा हुआ प्रतिज्ञात मसीह मानने से इनकार किया था, कहा कि प्रभु येसु अपदूतों के नायक बेलजबूल की सहायता से अपदूतों को निकालता है। लूक 11:15। असल में वे प्रभु के उपदेशों को सुनते हुए भी न तो सुनते थे और न तो समझते थे, और तो और प्रभु येसु के चमत्कारों को देखकर भी वे विश्वास की आंखों से नहीं देखते थे। देखिए मत्ती 13:13। उन्होंने अपने मन दिल को अनंत सत्य के लिए बंद कर दिया था। इसलिए हमारे प्रभु येसु नबी इसायास की भविष्यवाणी के शब्दों को दोहराते हुए फरीसियों और शास्त्रियों से कहते हैं, तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहोगे परंतु तुम्हें नहीं दिखेगा। आगे प्रभु कहते हैं कि इसका कारण यह है कि इन लोगों की बुद्धि मारी गई है, ये कानों से सुनना नहीं चाहते, इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। मत्ती 13:14-15। प्रिय भाई और बहनों, चालीसे की इस पुनीत अवसर पर हम इस दिव्य तथ्य को याद करें कि ईश्वर प्रेमी पिता होने के साथ ही न्यायी भी है। उसने हमारे मार्गदर्शन के लिए 10 आज्ञाएं दी हैं।
यदि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो ईश्वर हमसे बहुत प्रसन्न होगा, अन्यथा वह या तो अत्यंत दुखित होगा या क्रुद्ध होकर हमें दंड देगा। हम अपने अवज्ञा, दुष्टता और बुराई से प्रभु ईश्वर को न तो दुख पहुंचाएं, न तो उन्हें क्रुद्ध करें। हम इस तथ्य को भी याद करें कि ईश्वर ने अपने अकल्पनीय दया के कारण अपने शरीरधारी पुत्र के दुखभोग के पुण्यफलों द्वारा हमारे पापों की क्षमा की और हमें मुक्ति प्रदान की है। प्रभु ईश्वर की इच्छा है कि हम अपनी हठधर्मिता त्याग कर प्रभु यीशु और उसकी शिक्षा में ईश्वरीय अनुकंपा और अनुग्रह को विश्वास के कानों से सुने और प्रज्ञा की आँखों से देखें और गंभीरता से उन्हें अपने दैनिक जीवन में अमल करें। इस तरह हम ईश्वर के साथ बटोरेंगे और सदा उसके साथ रहेंगे। ईश्वर की कृपा आप सबों पर सदा बनी रहे। आमीन।